हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डबल लेयर पकोड़े की बिल्कुल ही नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और ये बहुत ही नई रेसिपी है, इससे पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं करी होगी। तो हम आलू और प्याज के डबल लेयर पकौड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम प्याज को कट कर लेंगे, उसके बाद ही आलू को हम कट करेंगे। तो जिस तरीके से हम प्याज को कट करेंगे, उसी तरीके से हम आलू को भी कट करेंगे। पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए हमने बेसन ले रखा है, ये लगभग एक कटोरी है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा यहीं पर स्वाद के लिए डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। ये भुना हुआ काली मिर्च पाउडर है, और यहीं पर हम थोड़ा सा डाल देंगे हींग। हींग से पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और उसको डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है। और यहीं पर थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हाथों से मसल के, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पकौड़े के अंदर। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। और इसी में थोड़ा सा डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और तो चलिए अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर भी बना लेते हैं, और स्वाद अनुसार इसमें लास्ट में हम नमक भी ऐड कर देंगे। और बैटर को बनाने के लिए हम उसमें एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे। तो इस तरीके से बैटर बहुत अच्छे से बनेगा, और बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है इस पकौड़े के लिए, थोड़ा ठीक ही बनाना है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इससे पहले किसी ने भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी होगी। तो देखिए हमारा बैटर बन के तैयार है, और इसको हम थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए भी रख देंगे, तो इससे पकौड़े हमारे फूले फूले बनेंगे। तो बैटर देखिए अब हमारा सेट हो चुका है, तो चलिए अब पकौड़े भी बना लेते हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक स्लाइस आलू की लेंगे और एक स्लाइस प्याज की लेंगे। तो ये है ना बिल्कुल नया तरीका, आपसे पहले आपको ये तरीका किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो इस तरीके से आप लोग पकौड़े बना के ट्राई जरूर करिएगा, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो इस तरीके से पकौड़ों को हम दोनों साइड से तल लेंगे, और इस समय गैस की फ्लेम थोड़ी लो कर देंगे, जिससे पकौड़े हमारे अंदर तक क्रिस्पी बनेंगे। और जब इसको हम डालेंगे तेल में, तो तेल थोड़ा एकदम हाई फ्लेम पे होना चाहिए, और तलते समय गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। तो इस तरीके से पकौड़े बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने आलू और चटनी के तो पकौड़े खाए होंगे, और ब्रेड पकौड़ा भी खाया होगा, लेकिन डबल लेयर के आलू और प्याज के पकौड़े नहीं खाए होंगे। तो इसको भी आप लोग बारिश के मौसम में बना के और ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही अच्छी पकौड़े बन के तैयार होते हैं। तो देखिए हमारे पकौड़े तल चुके हैं, और इसको अब हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि इसके अंदर तक कैसे हमारे प्याज और आलू दोनों पक चुके हैं। तो आप लोग आलू और प्याज के तो पकौड़े बनाते हैं, तो इस तरीके से डबल लेयर पकौड़े बना के भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर तरीका पसंद आया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए पकौड़े बना लिए, और चाय भी हमारे तैयार है। तो चाय और पकौड़ों का तो कॉम्बिनेशन बहुत भी अच्छा लगता है, और इसके साथ हरी मिर्च भी फ्राई कर लें तो और भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।